हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बात करेंगे प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान की योजना बनाना व प्रबंधन करने के बारे में। तो काफ़ी बढ़िया यूनिट रहने वाली है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आएगी वो एक तो ये कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, अनुदेशन, सिलेबस, करिकुलम, इनके इंग्लिश में नेम है, ये सब क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। इसके अलावा कुछ आकलन से रिलेटेड चीज़ें भी आपको क्लियर होने वाली है। और इस वीडियो में डबल मेहनत लग गई क्योंकि पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करा तो कुछ ओवीएस में मैंने दूसरा सीन ऑन कर रखा था, तो उसकी वजह से ओनली सिर्फ वॉइस ही रिकॉर्ड हुई, वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं। तो अब इसी वीडियो को मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, दोबारा और अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो आपने प्लानिंग करी उसका सीन अवलोकन। देखिए, ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग का मतलब यही है कि आपने जो प्लानिंग करी है आप एक बार उसको करके मतलब रिपीट करके देख लो, या फिर उसको एक बार पूरा देख चेक कर लो, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी तो ऐड नहीं होंगी जो बच्चों के काम की ना हो, तो बस ये देखना होता है। योजना की गुणवत्ता पर ही परिणाम की गुणवत्ता निर्भर करती है। आपकी योजना कितनी अच्छी रही, आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी रही, इसी पर डिपेंड करेगा कि उस योजना से जो आउटकम निकल के आने वाला है, जो परिणाम उसका आने वाला है, वो कितना अच्छा आने वाला है। एक सावधानी तैयारी से ही श्रेष्ठता, सावधानीपूर्ण तैयारी से ही श्रेष्ठता संभव है। बिल्कुल ठीक है, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, सावधानीपूर्ण करते हो, उसी से ही आपका काम की श्रेष्ठता निर्भर करती है। हम बात कर लें वार्षिक योजना के बारे में कि ईयर प्लान क्या होता है। देखिए, एक वार्षिक प्लान होता है, एक यूनिट प्लान होता है और एक लेसन प्लान होता है। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ईयर प्लान यानी कि वार्षिक योजना के बारे में। वार्षिक योजना संपूर्ण पाठ्यक्रम की कई इकाइयों की रूपरेखा व पाठ्यक्रम पूरा करने में आवश्यक समय का निर्धारण है। यहाँ पर जब आपका पूरा करिकुलम है उसको निर्धारित किया जाता है, उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा उसकी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। पाठ्यचर्या को इकाइयों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक इकाई के लिए समय का निर्धारण किया जाता है। तो जो पाठ्यचर्या है उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे या फिर यूनिट में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड से डिवाइड रहेगा, और हर एक यूनिट के लिए टाइम बता देंगे कि ये यूनिट आपको इतने मंथ में या इतने वैसे आवर्स बोलते हैं, ये यूनिट आपको इतने घंटे में ख़त्म करना है, ये यूनिट आपको इतने घंटे में ख़त्म करना है, जिसमें शिक्षण यानी उनको पढ़ाना, दोहराई यानी उनका रिवीजन, और आकलन यानी कि उसका टेस्ट लेना, ये सब कुछ इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ये पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की योजना है। ये आपकी जो आपका सिलेबस है उसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग है आपकी वार्षिक प्लानिंग, या फिर हम इसे वार्षिक योजना बोल सकते हैं। वर्ष के आरंभ में आपका पहला कार्य पूरे वर्ष की योजना बनाना, विज्ञान अनुकूल कितनी इकाइयाँ पढ़ानी है, कितने कालांश आपके पास उपलब्ध है, यानी कि जो छुट्टियाँ वगैरह हैं उन्हें आप देख के चलो। आपको विषय वस्तु का विश्लेषण करना पड़ेगा, यानी उसको जो भी आपका कंटेंट है कंटेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। छुट्टियाँ तथा अवकाश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करें इकाई योजना के बारे में यानी यूनिट्स प्लान के बारे में। उप इकाइयों का निर्धारण करने के बाद, उप इकाइयों का निर्धारण करने के बाद फिर हम इकाई योजना बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं यूनिट प्लान बनाते हैं। इकाई क्रियान्वयन योजना की रूपरेखा है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें ऐच्छिक अधिगम, प्रतिफल, शिक्षण अधिगम विधियाँ, क्रियाएँ, आकलन हेतु जो इतने भी टूल्स हैं वो सब कुछ इसमें सम्मिलित होते हैं। तो उप इकाइयों का निर्धारण करने के बाद फिर हम यूनिट प्लान से बनाते हैं कि एक यूनिट में हमें क्या क्या देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक विस्तृत योजना है, यानी कि ये जो आपका ईयर प्लान था उससे थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। बड़े होने का मतलब यह है कि इसमें चीज़ों को और ज़्यादा खोल के प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें सिर्फ यूनिट्स को में डिवाइड किया जा रहा था, यूनिट्स के लिए टाइम निर्धारित कर दिया था। अब इसमें यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको भी यहाँ पर रख देंगे। फिर अगर हम बात करें लेसन प्लान की, तो लेसन प्लान यूनिट प्लान से भी ब्रॉड सेंस है। ये अति भ्रष्ट, अति विस्तृत तथा विशिष्ट योजना है। इसमें शैक्षिक अधिगम प्रतिफल, शिक्षण अधिगम विधियों व क्रियाकलापों का वर्णन, अधिगम प्रतिफलों का आकलन करने के लिए वास्तविक उपकरण या टूल्स शामिल हैं। ये जो लाइन है ये एज इट इज यहाँ से उठाई गई है इकाई योजना से। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे थी विस्तृत योजना और यहाँ पर है अति विस्तृत योजना। इसकी समय सारणी 30 से 40 मिनट की होती है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए एडिटर पैलेस भी, एडिटर पैलेस भी नहीं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर एक जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एक एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब पाठ योजना बनाना व पाठ्यक्रम पूरा करना, तो यहाँ पर ये कुछ बहाने लिखे हैं जो टीचर्स बनाते हैं, पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा अरे ये तो मेरा ही बहाना लिखा है ना। बात करते हैं आगे। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरर से लिया गया है। क्यूरेरर वर्ड का मतलब होता है रथ की दौड़। इसका एक और मतलब भी निकाल लेते हैं, दौड़ का मैदान, ठीक। लेकिन करिकुलम जो है वो दौड़ से कहीं ज़्यादा अधिक है। ये किसके लिए है, इसे हमें समझने की और शिक्षा को क्रियात्मक अर्थ देने की आवश्यकता है।
इसे शिक्षक व शिक्षार्थियों के बीच संयोजन कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। जो करिकुलम है वो एक तरह से एक चेन है, एक ऐसी चेन है जो स्टूडेंट और टीचर से जोड़ती है और टीचर को स्टूडेंट से जोड़ती है। ठीक, वेबस्टर शब्दकोश में इसे इस तरह से बताया गया कि एक विद्यालय द्वारा प्रस्तुत पठन का कोर्स ही आपका करिकुलम है, या फिर जिसे हम बोलते हैं पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम क्या हो गया, एक विद्यालय द्वारा प्रस्तुत पठन का कोर्स आपका पाठ्यक्रम हो गया। पाठ्यक्रम को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, कंटेंट, उत्पाद और प्रक्रिया। कंटेंट क्या है, जो भी ज्ञान हम उसके माध्यम से देने वाले हैं वो ज्ञान आपका कंटेंट हो जाता है। जिन उद्देश्यों की हम प्राप्ति करते हैं उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं तो प्रोडक्ट है, मीन्स जो उद्देश्य हमें निकलने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव से लर्निंग आउटकम से जो निकलने वाले हैं वो प्रोडक्ट है। प्रोसेस के अंदर जो हम क्रियाकलाप कर रहे होते हैं उन क्रियाकलापों को बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदल देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सोचते हैं, प्रेरित करते हैं, बच्चों के साथ वार्तालाप करते हैं, तो ये सारे हमारे प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के अंदर आ जाएगा। तो कंटेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस तीनों क्लियर हुए, आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या क्या है, यानी करिकुलम एंड सिलेबस क्या है, दोनों भिन्न हैं लेकिन दोनों हमको लगता है कि यार ये दोनों एक पाठ्यक्रम की जगह पाठ्यचर्या बोल देते हैं या करिकुलम सिलेबस को हम अलग अलग लेकर नहीं चलते, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि पाठ्यचर्या एक विशिष्ट कोर्स की रूपरेखा है, इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ, उनका क्रम, अक्सर आवश्यक व सुझावित पठन सामग्री और अन्य सार्थक सूचनाएं शामिल है। देखिए पाठ्यचर्या में पाठों के नाम, उनका क्रम किस सीक्वेंस में आएंगे, ये सब कुछ शामिल है। और जो आपका पाठ्यक्रम आएगा ये किसी विशेष प्रोग्राम के लिए दिए गए सभी कोर्सों से संबंधित है। ये विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली संपूर्ण सामग्री का पूरा सेट है, जो विद्यालय में पूरे अकेडमिक ईयर में जो भी सामग्री पढ़ाई जाएगी, स्कॉलेस्टिक को स्कॉलेस्टिक जो भी एक्टिविटीज है वो सारी आपकी इसमें पाठ्यक्रम के अंदर आ जाएंगी। लेकिन पाठ्यचर्या में ओनली विषय से संबंधित चीज़ें आती हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। आप इस हिसाब से रख सकते हो कि आपका मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस है, मैथ्स के चैप्टर्स होंगे कि यार जो अरिथमेटिक मैथ्स है उसके चैप्टर्स इतने हैं, ज्योग्राफी के, ज्योमेट्री के इतने हैं, एलजेब्रा को इतना इंक्लूड किया कर रखा है इसमें। लेकिन पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा कि यार ये 10th का पाठ्यक्रम है, मतलब कि सारे कोर्सों को मिलाकर बना दिया पाठ्यक्रम। ठीक है, जैसे डीएलएड का एक पाठ्यक्रम होता है, तो डीएलएड के पाठ्यक्रम के अंदर हर एक ईयर का एक सिलेबस होता है, ऐसे बीएड का भी पाठ्यक्रम होता है, फिर उसके हर एक ईयर का या सेमेस्टर का सिलेबस होता है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, पाठ्यक्रम उद्देश्य निर्धारित करता है जबकि पाठ्यचर्या उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करता है, इसलिए पाठ्यक्रम नियम निर्धारित करता है और पाठ्यचर्या वर्णनात्मक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपका पाठ्यक्रम है यानी जो आपका करिकुलम है उसने उद्देश्य बता दिए, ठीक है, और पाठ्यचर्या क्या बता रहा है, अब इन्हें मैं प्राप्त कैसे करूँ। पाठ्यक्रम नियम बता रहा है कि ये नियम से फॉलो करना है आपको, और पाठ्यचर्या वर्णनात्मक। आगे बात करें पाठ्यक्रम व अनुदेशन, ठीक है, पाठ्यक्रम हम अभी समझ चुके हैं क्या पाठ्यक्रम क्या है, अब हम बात कर लेते हैं कि अनुदेशन क्या है। अनुदेशन एक अधिक विस्तृत योजना है जो बताती है कि विषय वस्तु कैसे पढ़ानी तथा इसका क्रियान्वयन कैसे करना है, जो भी कंटेंट है उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है ये बताएगा कौन, आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेशन। ये राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा विकसित होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य शिक्षा बोर्ड इसे प्रस्तुत करेगा, नीतियों, जनादेशों व विधान द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए आपके द्वारा चुनी गई अनुदेशन विधियाँ और तरीके पाठ्यक्रम से मेल खाने चाहिए। अनुदेशन आपके द्वारा विषय वस्तु की प्रस्तुति है जिसमें आप उद्देश्यों के एक समूह को अपने व्यक्तिगत व्यावसायिक कौशलों का उपयोग करके सब शिक्षार्थियों के लिए सुलभ बनाते हैं। तो क्या हो गया अनुदेशन, आप कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से प्रेजेंट करना ताकि हर एक बच्चा उसको अच्छे तरीके से यानी सरलतापूर्वक सीख सके। आगे बात करेंगे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले जांच कौशल का विकास करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य रहेगा, सकारात्मक मनोवृत्ति का पोषण करना, मनोवृत्ति मतलब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, एंड विज्ञान के जैविक एवं भौतिक पहलुओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना, विश्व के जो भी जैविक और भौतिक पहलुओं हैं, जो भी हम देखते आ रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनको उनका आपका साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता क्यों है, कोई राहु केतु ने नहीं खाता, जबकि वो एक सिचुएशन है, जब अर्थ एंड मून की एक तरह की सिचुएशन है। प्रारंभिक स्तर पर वैज्ञानिक अवधारणाएं, तो ये 9 वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं जो प्रारंभिक स्तर पर देखी जाती हैं। ठीक, इन सभी 9 वैज्ञानिक अवधारणाओं को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार नाम पढ़ ले सभी के, संगठन, कारण एवं प्रभाव, व्यवस्था, मॉडल, स्केल, संरचना कार्य, परिवर्तन, विभिन्नता और विविधता।
तो ये नौ वैज्ञानिक अवधारणा है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करें संगठन की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की। तो जब भी आप साइंस में कुछ भी पढ़ रहे होते हो या फिर वैज्ञानिक कुछ भी डिस्कवर करते हैं तो उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्कवर कर रहे होते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरह से उनका पूरा काम चलता है, पूरा एक ही सही तरीके से संगठित होता है, वर्गीकृत होता है। ठीक, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कॉज एंड इफेक्ट, साइंटिफिक नॉलेज में या जब भी कोई वैज्ञानिक से रिलेटेड काम करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, अगर अगर जैसे इंद्रधनुष बन रहा है तो उसका रीज़न क्या है, वाष्पीकरण होता है तो वो कैसे होता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो वो कैसे बढ़ते हैं, हर चीज़ किसी न किसी कारण से ही होती है और उसके कारण को पता करना ही साइंटिफिक नॉलेज है। प्रणाली यानी कि इसमें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के आधार पर चीज़ें काम कर रही होती हैं। प्रणाली सिस्टम कुछ मिलाकर ऐसा होगा, जैसे मैं आपको बात करूं, एक चीज होती है आपका कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा है जिसमें मॉनिटर है, ठीक है, आपका सीपीयू है, कीबोर्ड है और माउस है। ये बेसिक है, प्रिंटर को भी रख लेते हैं, प्रिंटर हालांकि सभी के पास होता नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ये चीज़ें मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिस सिस्टम के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, हम गेमिंग कर सकते हैं, हम वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, एक सिस्टम बनाएंगी। तो और ये जो सिस्टम चलेगा वो इन सबके कोऑर्डिनेशन से चलेगा। मान लो इसमें से माउस ने काम करना बंद कर दिया, पूरा काम सही नहीं हो पाएगा। कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया तो आप कुछ टाइप नहीं कर पाओगे। मॉनिटर ने काम बंद कर दिया तो आप देख ही नहीं पाओगे। और सीपीयू ने काम बंद कर दिया तो सिस्टम चालू नहीं होगा। तो इन सब के कोऑर्डिनेशन से चलता है कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो परस्पर क्रिया करके और काम करते हैं। ठीक है, परस्पर क्रिया करने वाले भागों का एक समूह है जो मिलकर एक स्वतंत्र इकाई। अब इन सब ने मिलकर क्या बना लिया, कंप्यूटर सिस्टम बना लिया। कंप्यूटर सिस्टम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। आगे हम मॉडल के बारे में अगर बात करें, ये चल नीचे क्यों नहीं हो रहा, अभी ऊपर नीचे हो रहा था। आगे आता है मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल एक भौतिक वस्तु जो किसी और वस्तु को प्रदर्शित करती है। ठीक है, बात मॉडल्स आपके यही तो होते हैं। आपने जैसे कई बार किसी डैम का मॉडल बनाया हो, सोलर पैनल का मॉडल बनाया हो, सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया हो, तो ये मॉडल्स क्या करते हैं, जो ओरिजिनल वस्तु है उसको प्रदर्शित करते हैं। स्केल का तात्पर्य है आकार तथा मात्रा। स्केल क्या होते हैं, स्केल से माप कर आप ये बता सकते हो कि उसका भार क्या है, किसी का कद क्या है, चीज़ कितनी गर्म है, कितना ठंडा है। संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। संरचना एवं कार्य, जिस प्रकार वस्तु दिखती, महसूस होती व सुनाई देती हैं, जिस प्रकार वे कार्य करती हैं, दोनों में संबंध है। किस प्रकार वस्तु दिखाई देती है और किस प्रकार वे कार्य करती हैं, दोनों में काफ़ी संबंध होता है। जैसे कि मनुष्य के शरीर व पौधों के विभिन्न भागों को उनके विभिन्न कार्यों से हम समझ सकते हैं। दिखते भी अलग अलग हैं और काम भी अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि हमारे आगे के हाथ पैरों पक्षियों में पंखों की तरफ तरफ परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बात करें परिवर्तन, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, जो भी कुछ से संसार में वो सब चेंज होता जा रहा है, तो ये भी साइंटिफिक अवधारणा के अंदर आता है। आता है आपका विभिन्नता यानी कि वेरिएशन। प्रत्येक वस्तु में सजीव हो या निर्जीव हो कुछ विशेषताएं कुछ गुण होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो संसार में जितनी भी चीजें हैं सब में विभिन्नता है, विविधता डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों में भी होती है, जीवित जंतुओं में भी होती है, हर एक चीज़ में भी होती है, पेड़ पौधों में भी डाइवर्सिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मान लो कि सिर्फ गेहूं का ही पेड़ होता और कोई सब पेड़ ही नहीं, पौधों में बात कर लें, सिर्फ गेहूं का ही पौधा होता है या सिर्फ आम के पेड़ होते तो कैसी लाइफ होती, सिर्फ आप आम खा रहे होते और गेहूँ खा रहे होते। ठीक है, तो विविधता इंपॉर्टेंट है कि आप गेहूँ भी खा सको, सोयाबीन भी खा सको, चना भी खा सको और जितनी प्रकार की दालें आ सकती हैं वो खा सको, अलग प्रकार का अनाज खा सको। इसी प्रकार से पेड़ों में विभिन्नता है ताकि आम अमरूद अनार बनाना केला जितनी भी इन सबका आप आनंद ले सको। ये तो दिक्कत दे रहा है।
विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना संबंधी मुद्दे। अब विज्ञान पाठ्यक्रम की आप योजना बनाते टाइम आपको याद रखना होता है कि थीम बेस्ड वर्सेस सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, तो आपको हमेशा थीम बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। पाठ्य पुस्तकें व कार्यपत्रक। पाठ्य पुस्तकें व कार्यपत्रक के प्रयोग से सक्रिय को जांच की प्रक्रिया की सहायक सामग्री तक सीमाबद्ध करने की आवश्यकता है कि जांच प्रक्रिया की जो सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री तक ही हम लेकर चलेंगे पाठ्य पुस्तकों को, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। मतलब कि पाठ्य पुस्तक और कार्यपत्रक को ही सब कुछ नहीं बता देंगे। हम ये बोलेंगे कि यार चलो ठीक है, अगर आप बच्चे एक्टिवली डिस्कवर कर रहे हैं कुछ चीज़, कोई जांच प्रक्रिया चल रही है, तो उसकी सहायक सामग्री के रूप में हम इनका उपयोग करेंगे। ऐसे क्रियाकलाप का चुनाव करना है जिनमें बच्चों की खुली सीमाओं में कार्य करने में सहायता मिले। खुली सीमाएं मतलब कि किसी तरह की लिमिटेशंस उसमें नहीं होना चाहिए। विज्ञान क्रियाकलापों में सुरक्षा का ध्यान हमें रखना होता है। विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना। विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना के बारे में हम बात करें तो विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना बनाते टाइम हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। विज्ञान अवधारणाओं के व्यापक रेंज तक पहुंच। जो विज्ञान की अवधारणाएं पढ़ी है, अभी हमने 9 प्रकार की अवधारणाएं होती हैं, वहां तक हम पहुंच सकें, वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने के मौके दे सकें, विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन हो, विज्ञान और तकनीकी के समावेशन हो, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का उसमें दोनों का समावेशन होना चाहिए। जांच आधारित क्रियाकलाप हो, पर्यावरण की खोज व जांच करने के क्रियाकलाप हो। इसके साथ ही पर्यावरण की एक और बचे, वैज्ञानिक विचारों के विकास में व खोज संबंधी कौशलों के प्रयोग में निरंतरता व प्रगति प्रदान करना करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी। यार आज माउस भी गड़बड़ कर रहे, तो ये विज्ञान की पाठ्यक्रम की योजना के अंदर ये सब कुछ आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी तरह से विकसित पाठ्य योजना। एक पाठ्य योजना जो अच्छी तरह से विकसित है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एक अच्छी तरह विकसित पाठ्य योजना शिक्षार्थियों की रुचियों व आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती है। मतलब कि जो अच्छी तरह से पाठ्य योजना आपने बनाई है, तो बच्चों को इंटरेस्ट किस किस में है, उनकी आवश्यकताएं किस किस चीज़ में, इन सबको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है पाठ्य योजना। ठीक, क्योंकि पाठ्य योजना हम उसी के हिसाब से बताते हैं यार, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से। पाठ्यक्रम प्रस्तुति की सर्वोत्तम विधियों को दर्शाता है। पाठ्य योजना शिक्षक के शिक्षा दर्शन से संबंधित होती है, जो शिक्षक सोचता है कि उस विषय को सीखने का उद्देश्य है, तो शिक्षक के दर्शन से रिलेटेड होती है हमारी पाठ्य योजनाएं। ये जो मुख्य विचार है, देखिए हमारे चलते 5 W और 1 H। ठीक है, 1 H में तो आ जाता है हमारा, और जो 5 W है उसमें हमारे आते हैं वेन, वेयर, वॉट, वाई एंड। ठीक है, यहाँ पर 1 W गायब है, तो 5 W और 1 H विधि को हमें लेकर चलना होता है कि कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, नहीं कहाँ पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और किसे पढ़ाना है, और हाउ होता है कैसे पढ़ाना है। तो वही 5 W 1 H विधि का हमें यूज करना है। ये तो 3 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बनेगा कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाने के अंदर क्या क्या आता है, विषय वस्तु और अवधारणाओं का चुनाव आता है कि आप किस तरह का कंटेंट सिलेक्ट करोगे, क्यों पढ़ाना है, हु टू टीच के अंदर आएगा, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण यानी कि डिसाइडिंग द लर्निंग आउटकम्स, क्यों पढ़ना है, तो उसके अंदर आएंगे अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण। फिर आएगा कैसे पढ़ाना है, यानी कि हाउ टू टीच, इसके अंदर आएगा कि आप कौन कौन सी विधियों का, किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज का यूज करोगे। गाइस अभी कोई गेट पर आ गया था और जाना पड़ा, सारी समस्याएं एक साथ आना थी यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ना।
अच्छा, फिर एक आता है हाउ टू एक्सेस, हाउ टू असेस, यानी कि आकलन कैसे करें। आकलन के तरीकों का निर्धारण हमें करना होगा डिसाइडिंग द असेसमेंट प्रोसीजर, कि किन किन तरीकों का यूज करके हम आकलन कर सकते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस, शैक्षणिक विश्लेषण, शैक्षणिक विश्लेषण में क्या क्या है। तो भाई उस शैक्षणिक विश्लेषण में तीन अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कौन कौन सी में तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहले बात करी पूर्व सक्रिय अवस्था। पूर्व सक्रिय अवस्था में हम क्या क्या रखेंगे। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस पॉइंट के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब पूर्व सक्रिय अवस्था में हम कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। प्रविष्ट योजना जांच, अधिगम प्रतिफलों को परिभाषित करना कि लर्निंग आउटकम्स क्या निकल कर आने वाले हैं। विषय वस्तु विश्लेषण और अधिगम के प्रकारों की पहचान, ये चीज़ें जाएंगी हमारी पूर्व सक्रिय अवस्था में। इसके बाद आएगा अंतर सक्रिय अवस्था। अंतर सक्रिय अवस्था के अंदर प्रोत्साहन की प्रस्तुति की विधियों, उपागमों के निर्धारण, अपेक्षित शिक्षार्थी प्रतिक्रियाओं पर निर्णय और प्रतिक्रिया देना, ये चीज़ें आएंगी हमारी अंतर सक्रिय अवस्था। इसके बाद फिर आएगा हमारा मूल्यांकन अवस्था। इसमें अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को प्राप्ति को जांचने के लिए उपकरणों का निर्धारण, कि कौन कौन से टूल्स का आप यूज़ करके इनकी जाँच करोगे, प्रतिफलों की जाँच करोगे, तो ये मूल्यांकन अवस्था आती है। पाठ योजना बनाने के चरण दिए हुए हैं, कौन कौन से चरणों का हमें फॉलो करना होता है पाठ योजना बनाते टाइम। सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उद्देश्यों के अनुसार पाठ की खोज करते हैं। जैसे हमने कोई उद्देश्य बनाया, इंद्रधनुष वाले ही हमने उद्देश्य बना लिया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो हमें उसके हिसाब से पाठ को चूज करना पड़ेगा कि किस पाठ में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। उपयुक्त शिक्षण विधि का चुनाव, फिर पाठ योजना के प्रारूप की पहचान, पाठ की व्यवस्था का निर्धारण, उपयुक्त सहायक सामग्री का चुनाव, पाठ की शुरुआत व अंत की तैयारी और अंतिम रूपरेखा की तैयारी, ये सब चीज़ हमें पाठ योजना बनाने में रखना होता है और इसी क्रम में रखना होता है। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये एक ऐसा कथन होता है जो हमें ये बताता है कि पाठ पढ़ने के पश्चात शिक्षार्थी क्या कर पाएंगे। उद्देश्य में एक क्रिया अवश्य होना चाहिए, मीन्स एक एक्टिविटी उसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। शिक्षण अधिगम रणनीति का चुनाव, इसमें हमें यह देखना होता है कि कक्षा प्रबंधन संबंधी समस्याओं को कम करके शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में शिक्षार्थियों की सहभागिता बढ़ती है। यानी कि यदि आपकी रणनीति प्रभावी है तो कक्षा प्रबंधन से संबंधित जितनी भी समस्याएं, वो सारी समस्या कम हो जाएंगी। जब वो समस्याएं कम होंगी तो शिक्षार्थियों की जो प्रतिभागिता है उसमें वो बढ़ जाएगी। आगे एक बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, एक टीचर को दोनों बेस जरूरी है। कौन कौन से बेस, कंटेंट बेस एंड पेडागोजी बेस, मतलब कि उसे वस्तु का ज्ञान तो होना चाहिए साथ के साथ शिक्षण का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण अधिगम क्रियाफलों या अधिगम अनुभवों का चयन, सिलेक्टिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये इनको हमें ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए जिससे वैज्ञानिक अवधारणाएँ धारणा तो विकसित हों बच्चे के अंदर, साथ के साथ बच्चे की लाइफ से रिलेटेड भी होना चाहिए और आकलन का आधार भी प्रदान करते हों। एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को आप असेस कर पा रहे हो। उपयुक्त संसाधनों का चुनाव, तो आपको ऐसे संसाधनों का चुनाव करना है जो बच्चे को वास्तविक दुनिया से मिलने का मौका दे। ठीक, यहाँ पर मानव संसाधन से अभिप्राय है कि आप उस चीज़ से जुड़े हुए विशेषज्ञों को चुन लें कि जो आप क्रियाकलाप करा रहे हैं उस क्रियाकलाप का कोई एक्सपर्ट है कि नहीं। जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो अगर आप उसको उसको चूज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्रियाकलाप करने में हेल्प मिलेगी। पाठ का डिजाइन, पाठ का डिजाइन किस तरह से होता है, इसमें पाठ का शीर्षक होता है, अवधि लिखी हुई होती है कब तक कंप्लीट होगा, आवश्यक संसाधनों की सूची होती है, अधिगम उद्देश्यों की सूची होती है, शिक्षार्थी का ध्यान अधिगम की ओर केंद्रित करने व उन्हें प्रेरित करने हेतु प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं। सीधे निर्देश जो घटनाओं के क्रम का वर्णन करते हैं और पाठ को बनाते हैं, इसमें शिक्षक के निर्देशन और मार्गदर्शन में शिक्षार्थी द्वारा अभ्यास में नए विचारों पर आधारित कार्य व नए कौशलों का प्रयोग शामिल है। इसमें सीधे निर्देश होते हैं जो घटनाओं के क्रम का वर्णन करते हैं और पाठ को बनाते हैं, इसमें टीचर का मार्गदर्शन और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। स्वतंत्र अभ्यास होते हैं, आपने देखा वो लास्ट में कुछ एक्टिविटीज दे रखी होती है, कुछ एक्टिविटीज पाठों के बीच में भी दे रखी होती है। एक अंत जो चर्चा व प्रश्नों के उत्तर देने पर खत्म होता है, पाठ का एक एंड होता है जो कैसे खत्म होगा, जब कुछ डिस्कशन होगा और कुछ उसका कंक्लूजन निकालेंगे। फिर ऐच्छिक उद्देश्य, यानी जो उद्देश्य आप चाहते हैं उनकी प्राप्ति की जांच के लिए आकलन और मूल्यांकन के साधन, और एक निरंतरता का घटक जो पिछले पाठ की विषय वस्तु को दोहराता है व उस पर चिंतन करवाता है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है चिंतन, इस चिंतन का मतलब क्या है, चिंतन का मतलब ये है, चिंतन का मतलब ये है कि किसी भी चीज के बारे में सोचना, आपने कोई भी काम करा उसके बारे में सोचना ही आपका चिंतन है, जिसे हम रिफ्लेक्ट करना भी कह सकते हैं।
आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट दे रखा है कि शिक्षक की सर्वोच्च कला है सृजनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में खुशी जगाना, कि नॉलेज से बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चे के अंदर नॉलेज आ रहा है और बच्चा खुश हो रहा है, ऐसा काम कर। संसाधनों का अर्थ क्या है? देखिए संसाधन कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको फैसिलिटेट करे, आपके काम को आसान बना, चाहे पढ़ने का काम हो या कोई भी काम हो, तो संसाधन वह चीज़ होती है जो आपको आपके काम को आसान बनाए। संसाधनों का महत्व क्या है? एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यदि आपके पास एक चित्र है जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ 1000 शब्द लिखो भी, उसी चित्र से ही इतना कुछ समझ में आ जाएगा। चित्र के प्रयोग से स्मरण में 50% की बढ़ोतरी होती है और ज्ञान आपका काफी हद तक स्थायी हो जाता है। हम कब अधिक सीखते हैं? हम जब अधिक सीखते हैं हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं, अधिक संवेदी सूचना ग्रहण करते हैं, मीन्स हमारे सेंसरी ऑर्गन से ज़्यादा ग्रहण करते हैं, अधिक हम अनुभव को वास्तविक चीज़ें करने जैसा बनाते हैं और अधिक प्रतिभागिता करते हैं, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप एक्टिविटी को ऐसा बना देते हैं जैसे कि कोई वास्तविक काम ही चल रहा हो। शैक्षिक संसाधनों के प्रकार, शैक्षिक संसाधन के प्रकारों की हम बात करें तो विद्यालय स्तर पर देखो शिक्षार्थी उन्हें स्वयं अध्ययन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, वो आपके शैक्षिक संसाधन उपयोग कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी हो जाएगा, इसमें मुद्रित और अमुद्रित दोनों ही प्रकार की सामग्री हमें देखने के लिए मिल सकती है। मुद्रित मतलब जो छपी हुई हो और अमुद्रित मतलब कि जो प्रिंटेड जो किसी वेबसाइट वगैरह पर हो। प्रयोगशाला आ जाएगी, प्रयोगशाला भी एक तरह का संसाधन है। बगीचा हो जाएगा, खेल का मैदान हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर एक हो गया तारामंडल, यहाँ से IEEE में बड़े क्वेश्चन आए, यहाँ से लगभग 3-4 पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया हुआ है। वो सिंपल लिख देते हैं, यहाँ से ही 2 लाइन उठा के दे देंगे और बोलेंगे ये क्या है। ये तारामंडल एक थिएटर जिसमें खगोल शास्त्र रात्रि के समय, देखो रात्रि के समय आसमान में क्या देखते हैं, तारे देखते हैं, तो उसके लिए तारामंडल ही होगा। ठीक है, एक बहुत बड़े अर्धगोलाकार पर्दों पर तारों, ग्रहों व खगोलीय पिंडों की अनुरूपित आकृति और गति दिखाता है। रह जाएगा आपका हर्बेरियम, हर्बेरियम यानी वनस्पति संग्रहालय। वनस्पति संग्रहालय वह स्थान होता है जहाँ पर ऐसे पौधे जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हुए पौधों को संभाल कर रखा जाता है और किसी द्रव्य वगैरह में रखा जाता है ताकि वे खराब ना हो। एक होता है जीवशाला, जीवशाला क्या होता है? एक बंद क्षेत्र है जिसमें पौधों व जंतु को अवलोकन करने व अनुसंधान करने के लिए रखा जाता है, अवलोकन करने अनुसंधान करने के लिए और प्रजनन द्वारा बढ़ाया भी जाता है, ये किसी विशेष प्रजाति के लिए हो सकता है। अच्छा, पारितंत्र का एक छोटे से भाग पैमाने को निरूपित किया जाता है, जैसे कोई एक विशेष प्रजाति है उसका पारिस्थितिक तंत्र किस तरह का है उसे इसी जीवशाला में डेवलप कर दिया जाता है, फिर वो वहीं रहते हैं। आगे आता है एक्वेरियम, एक्वेरियम आप जानते हो, इसमें मछली और कुछ जलीय जीव, जलीय पौधे रखे जाते हैं। विज्ञान केंद्र या विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय में क्या होता है कि विज्ञान संबंधी विषयों की विस्तृत श्रेणी को सम्मिलित करके अंतःक्रिया करने वाले प्रदर्शन प्रदान करता है। अंतःक्रिया आगंतुओं को प्रयोग करने व खोज करने के लिए प्रेरित करती है। जब विज्ञान केंद्र में बच्चा जाता है, विज्ञान संग्रहालय में जाता है, तो वे प्रयोग करने और नई नई खोज करने के लिए भी मोटिवेटेड होते हैं। क्या देखो मतलब उन्हें वहाँ दिखती है कि किस किस तरह से चीज़ों को डेवलप किया गया है, तो वे भी एक्टिवेट होते हैं, विज्ञान मोटिवेट होते हैं, सॉरी एक्टिवेट बोला मैंने। विज्ञान पार्क वैज्ञानिक अनुसंधान के स्थान है, अक्सर वे उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे कॉलेज विश्वविद्यालयों से संबंधित होते हैं। वे विज्ञान केंद्रों से भिन्न है क्योंकि वे विज्ञान व तकनीकी के भावी विकास में रुचि लेते हैं। वे शहरों में नई कंपनी को आकर्षित करने के लिए स्थानीय सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जाती हैं। एक ही स्थान पर कई संसाधन व सुविधा उपलब्ध होती है जिन्हें साझा करके ऊपरी खर्चों को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो इम्पोर्टेंट है कि वैज्ञानिक विज्ञान पार्क किस लिए होते हैं, तो विज्ञान पार्क होते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, बाकी भी आप याद रख सकते हैं, बट जो फर्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आता है वनस्पति गार्डन यानी कि बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन क्या होता है? इसमें बहुत कई कई तरह के पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, स्क्यूलेंट्स हो गए पौधे, उष्ण कटिबंधीय विदेशी पौधे, साग गार्डन, इन सबको इकट्ठा करके रखा जाता है बोटनिकल गार्डन में। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में बच्चों जंतुओं को प्राकृतिक आवास प्रोवाइड कराया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण एक और तरीके से कर रखा है, गैर विद्युतीय संसाधन जो लाइट से नहीं चलते हैं इसमें शाब्दिक होते हैं और दृश्य होते हैं, जैसे छपी हुई सामग्री, इसमें आपकी पुस्तक आ जाएंगी। पुस्तक क्या है? पुस्तक आपकी शाब्दिक सामग्री है जो गैर विद्युत यानी बिना बिजली के चलती हैं।
ये साधारण शिक्षण उपकरणों से लेस होती है। जो पाठ्य पुस्तक जो होती है वो साधारण शिक्षण उपकरणों द्वारा लेस होती है। ये शिक्षार्थी द्वारा स्वयं अध्ययन के लिए प्रयोग में ला जाती है। जब बच्चा को खुद से पढ़ना होता है तब बुक का यूज करता है, बुक्स का यूज करके पढ़ रहा है। पाठचर्या के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में बुक्स उपयोग होती है, जबकि कार्य या पुस्तिका कार्य पुस्तिका दोहराई व अभ्यास के लिए होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पाठचर्या के लिए जो बुक है वो है हमारी संदर्भ पुस्तिका, और दोहराने के लिए जो होता है वो कार्य पुस्तिका होती है अभ्यास के लिए। एक संदर्भ पुस्तिका आगे से पीछे तक पढ़ने के बजाय सूचना के विशेष हिस्सों के लिए परामर्श देने के लिए विकसित करती है। संदर्भ पुस्तिका में होता यही है कि किसी भी पॉइंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें बहुत सारे तथ्य विकसित व्यवस्थित किए जाते हैं जो विषय वस्तु के संपूरक होते हैं, ताकि आज तक की अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होती है उन सबका उपयोग किया जाता है। एक चित्र पुस्तिका भी होती है जिसमें चित्र वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। पत्रिका वो होती है जो विद्यालय में हर मंथली छपती है, कभी साप्ताहिक भी होती है, मंथली भी होती है। दृश्य सामग्री में बोर्ड आ जाएगा, इसमें चुमकी बोर्ड, पोस्टर, फ्लिप चार्ट जाएंगे। ग्राफ होता है मैथ्स वगैरह या संख्यात्मक आंकड़ों के लिए। मानचित्र एटलस आप जानती हैं क्या होते हैं। फिर आपका एक नमूने व मॉडल स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन स्पेसिमेन वास्तविक वस्तुएं हैं जिन्हें संरक्षित किया जाता है, जैसे मोहर, सिक्के। जब आप इतिहास वगैरह पढ़ा रहे हो तो आप पुराने सिक्के, पत्थर, पौधे, जंतु, इनका आप यूज कर सकते हो। विद्युत संसाधन जो लाइट से चलते हैं। विद्युत संसाधन श्रव्य भी हो सकते हैं, दृश्य भी हो सकते हैं, और श्रव्य दृश्य भी हो सकते हैं। श्रव्य में रेडियो, कैसेट वगैरह जाएगा। दृश्य में स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब आ जाएगा। दृश्य में श्रव्य सामग्री में आपका टेलीविजन आ जाएगा, आईसीटी उपकरण आ जाएंगे। आईसीटी उपकरण ने एक काम अच्छा करा है। क्या काम अच्छा करा है? कि इसने शिक्षक की भूमिका जो थी वो ज्ञान प्रदान करने वाला थी, इससे बदलकर अधिगम का सुगम करता बदल दिया। यानी शिक्षक जो है ज्ञान प्रदान करने वाला ना, ज्ञान प्रदान करने वाला ना होकर अब अधिगम का सुगम करता बन गया है। लेकिन टीचर दोनों ही काम करता है, ज्ञान प्रदान भी करता है और अधिगम का सुगम करता भी है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे आ गया ओपन शैक्षणिक संसाधन। देखो तो ओपन शैक्षणिक संसाधन क्या है? ये ऐसे संसाधन है जिनका यूज ओपनली कभी भी कोई भी कर सकता है। जैसे कि कुछ वेबसाइट जिन पे एनसीईआरटी की बुक्स डली हुई है, तो उन एनसीईआरटी बुक्स को आप कभी भी यूज कर सकते हो। कई जगह सॉल्यूशन भी डले हुए हैं, आप उन सॉल्यूशन का कभी भी यूज कर सकते हो, आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। जिस तरह से आप एनआईयूएस की बुक की बात करें तो एनआईयूएस की बुक जो है वो उनकी वेबसाइट पर ओपनली डली हुई है, आप इन्हें कभी भी पढ़ सकते हो। तो ये ओपन शैक्षिक संसाधन होगा। यहाँ पर संसाधनों का एक और अच्छे तरीके से वर्गीकरण कर रखा है, चाहो तो पढ़ लेना, बाकी संसाधन आपको देखते ही समझ में जाते हैं। संसाधनों के लाभ क्या होते हैं? देखो शिक्षार्थी सक्रिय रूप से प्रतिभागी बन जाते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण बच्चों को मिलते हैं, अधिगम का अधिक समय तक स्थायी रहता है, बच्चों को विभिन्नता देखने के लिए मिलती है, चीज़ें किस तरह से अलग अलग है, वह काम करने जो वैसे नहीं हो सकते उनमें सहायता मिलती है, और वस्तुएं दिखाने में जो वैसे दिख नहीं दिखती, मतलब जनरली आपको वो चीज़ें नहीं दिखती, संसाधनों के माध्यम से आप देख सकते हो। मतलब जैसे समुद्र की गहराई है, ऐसे तो देख नहीं सकते हर व्यक्ति जाकर, लेकिन आप संसाधनों के माध्यम से टेलीविजन पर दिखा सकते हो। यहाँ पर एक वर्ड है वक्त। वक्त का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, वी यानी विजुअल, ऑडिटरी, कानिस्थेटिक, और आपका टचेबल या टेक्चुअल, टचेबल ही होता है। तो ये आपके चार वक्त का फुल फॉर्म हो गया, दृश्य, श्रवण, गति, बोधक और स्पर्श। संसाधनों के चुनाव का मापदंड। संसाधनों का चुनाव करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें देखना होता है? सबसे पहले तो उसका यूजफुलनेस होना चाहिए, यानी उपयोगिता, और उपयुक्तता हो यानी कि अप्रोप्रिएट हो, वह अप्रोप्रिएट हो, वह यूजफुल हो। इसके साथ साथ उसमें होना चाहिए क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी, रेलिवेंस यानी कि प्रासंगिक हो, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए यानी कि विशिष्टता, विजिबिलिटी यानी दर्शनीयता, प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता, ये चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। शिक्षण के अधिगम का मूल्यांकन। देखिए जब आप मूल्यांकन कर रहे हो विज्ञान में, यहाँ पर हमें मेन पॉइंट ये है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पोषण प्रदान करना चाहिए, ठीक है, प्रायोगिक होना चाहिए, जांच कौशल होना चाहिए, जांच कौशलों का विकास हो, उसमें
वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पोषण मिले, क्योंकि हम विज्ञान की जांच की बात कर रहे हैं, विज्ञान के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। ठीक, योजना, अतः योजना स्वयं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति पर आधारित उपयुक्त विधियों व रणनीतियों को प्रदान करने वाली होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार रचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आप टाइम के हिसाब से रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हो। वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप जिस तरह चाहो उस तरह से मूल्यांकन ले सकते हो। नियोजित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, यानी कि जो पाठ आपका पहले से प्लान है उसका मूल्यांकन किस तरह से करोगे, तो शिक्षक अवलोकन के द्वारा कर सकता है, अवधारणा मैप के द्वारा कर सकता है, शिक्षक द्वारा विकसित कार्यों के का निष्पादन के द्वारा हो सकता है, शिक्षक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन और पोर्टफोलियो में उसकी प्रस्तुति के द्वारा हो सकता है। देखिए, अवधारणा मैप जो है, यहाँ से DEEC में क्वेश्चन आया हुआ था कि कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से मूल्यांकन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से मूल्यांकन हो सकता है। शिक्षक की भूमिका वही होगी, शिक्षक देखो सभी रिकॉर्ड रखेगा, प्रगति का सही आकलन करे, मतलब कि सभी का रिकॉर्ड करके अच्छी तरह से रखेगा ताकि सही तरह से आकलन हो सके। औपचारिक आकलनों के नतीजों को आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट करना, आकलन के नतीजों व प्रगति ग्रेड शिक्षार्थियों के साथ साझा करना, शिक्षार्थियों के आकलन व प्रगति के आंकड़ों को रिकॉर्ड विश्लेषण व रिपोर्ट करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था विकसित व लागू करनी चाहिए। किस तरह से आंकड़ों को रखना होगा, किस तरह से उनको एनालाइज करना है, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना है, ये सब काम टीचर का हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर अच्छा थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है यूनिट के बीच में तो कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप उसके लिए बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।